subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ब्लाइंड से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो आपसे आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए चलते हैं। डबल टैप टू एक्टिवेट। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आप लोगों का राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। दोस्तों, लेके आ गया हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जी हां गाइस, अभी तक आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे अबाउट पेज में हमारे व्हाट्सएप चैट का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमें कॉन्टेक्ट करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और फीमेल के लिए भी अलग से ग्रुप बनाया गया है, तो फीमेल भी हमें कॉन्टेक्ट करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकती है। गाइज, वैसे हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9654223684, 9654223684, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो चलिए गाइज, अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। लेकिन गाइज, उससे पहले हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल QCL का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसके माध्यम से आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। तो अगर आप लोगों ने उसको भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊं कि जैसे आप अपनी कुछ YouTube पर वीडियो अपलोड करते हो तो उसको डिलीट किस तरीके से कर सकते हो। और जैसे मान लो YouTube पर अगर आप वीडियो अपलोड करते हो, आपका मैसेज आया है, उसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन किस तरीके से ऐड कर सकते हो YouTube पर वीडियो अपलोड करने के बाद, या अगर आप YouTube पर वीडियो अपलोड करने के बाद अपने वीडियो के टाइटल में डिस्क्रिप्शन में चेंजेस करना चाहते हो तो किस तरीके से आप कर सकते हो। तो गाइस, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन जो लोग इन सब चीज़ के बारे में जानते हैं वो लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और जो लोग जानना चाहते हैं कि YouTube पर वीडियो अपलोड करने के बाद किस तरीके से वीडियो को डिलीट करते हैं और किस तरीके से उसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन चाहे तो डाल सकते हैं या तो फिर हम टाइटल डिस्क्रिप्शन उसमें चेंज कर सकते हैं, तो जो लोग जानना चाहते हैं वो लोग वीडियो को वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें, और जो लोग जानते हैं वो लोग स्किप कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल QCL का लिंक दिया गया है उसको भी विजिट कर लें, है ना। चलिए गाइस, हम यूट्यूब में चलते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से हम वीडियो डिलीट कर सकते हैं और एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मान लो आप YouTube पर कोई वीडियो अपलोड कर दिए हो, ठीक है, तो उसमें किस तरीके से डिस्क्रिप्शन टाइटल वगैरह ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप YouTube पर वीडियो अपलोड करने के बाद टाइटल डिस्क्रिप्शन डालते हो तो उसके लिए भी एक बात है जो कि मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले चलते हैं हम YouTube में, अपने चैनल में चलेंगे, अपने किसी वीडियो में चलेंगे। मैं भी कोई वीडियो एडिटिंग नहीं करूंगा, यानी टाइटल डिस्क्रिप्शन तो मेरा वीडियो का ठीक है, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा आपको आपका मैसेज आया है किस तरीके से करना है। ठीक है, मैं कर नहीं सकता क्योंकि टाइटल डिस्क्रिप्शन मेरी वीडियो का ठीक है, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा बस। YouTube, है ना। चलिए, YouTube को मैं ओपन कर लिया हूँ, है ना। YouTube, तो हमारा YouTube ओपन हो गया है, तो हम चलेंगे अपने चैनल में। चलिए, अपने चैनल में चलेंगे। अब हम चलेंगे योर चैनल में, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम एडिटिंग कर सकते हैं। योर चैनल में चलेंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे। ठीक है गाइस, वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आप एक यूट्यूबर्स हैं तो, और न्यू यूट्यूबर हैं तो, है ना। तो चलिए, यहाँ से प्लेलिस्ट है, चैनल है, अबाउट बटन, ये अबाउट है, ये देखिए हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये मैनेज वीडियो, यहीं पर जाकर के ही, यहीं पे जाकर के आप वीडियो को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन मैनेज वीडियो में भी चलूंगा मैं, लेकिन पहले मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, ये देखिए। How to use WhatsApp group voice call and video call talkback from blind user 24 minutes go to channel Rashtriya blind YouTube channel 37 views one day ago play video. तो इसने अभी बताया how to, ये देखो मेरी वीडियो का एक टाइटल है, How to use WhatsApp group call talkback from blind user, कितने मिनट की वीडियो है, कितने व्यूज इसमें आए हैं, कितने दिन पहले वीडियो अपलोड करी, इसने सब बताया। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो उसका टाइटल भी चेंज कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसका डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसमें डिस्क्रिप्शन मैंने नहीं डाला है तो वो भी मैं डाल सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या करना होगा, इसके बाद एक मेन्यू का ऑप्शन आएगा, देखिए यहाँ पर हमें एक्शन मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा, हमें इसी में ही जाना है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है,
राहुल आपका मैसेज आया है। वॉच लेटर वन ऑफ फाइव। तो देखिए हमने इस पे क्लिक कर दिया एक्शन मेन्यू पे, ठीक है। तो अब हम क्या क्या ऑप्शन मिलेगा देखिए। Save to playlist. ये देखिए पहला ऑप्शन है Save to watch later. Shape, one of shape, five. Save to watch later. Double tap to activate. अभी इसका कोई काम नहीं है। Save to playlist. Two of Save five. to playlist. जैसे मान लो अगर आपने आपकी चैनल की कोई प्लेलिस्ट है तो यहाँ से आप अपनी प्लेलिस्ट में भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते समय भी एक ऑप्शन आता है सेव टू प्लेलिस्ट का, अपलोड करते समय भी क्या नाम है प्लेलिस्ट में सेव कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किस तरीके से करते हैं, तो अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ आप लोग देखें, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि एडिटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर जैसे डिस्क्रिप्शन टाइटल अगर आप चेंज करना चाहो या आपने डिस्क्रिप्शन नहीं डाला तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए और ऑप्शन देखते हैं। दो ऑप्शन तो हमने देख लिए हैं, सेव टू वॉच लेटर, इसका कोई काम नहीं है। सेव टू प्लेलिस्ट, यहाँ से प्लेलिस्ट में सेव कर सकते हो, ठीक है। चलिए दिखा देता हूँ। डन, क्लिक करेंगे। क्लोज डायलॉग आउट ऑफ लिस्ट। देखिए Save video to 3 period in Save video, ये देखिए न्यू प्लेलिस्ट भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा प्लेलिस्ट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। Not checked, checkbox, watch later private. तो इस पे चेक नहीं करना है, ठीक है। Checked, checkbox, technology. तो ये टेक्नोलॉजी की वीडियो इसलिए इस पर चेक लगा हुआ है। तो आपने करना क्या है कि जिस भी प्लेलिस्ट में आपको डालना है उसको चेक लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए नॉट चेक्ड, डन आउट ऑफ। तो यहाँ से आप Done. जब आप चेक्ड कर दो तो उसको डन कर देना है, ठीक है। डन पे क्लिक कर दोगे तो आपकी वीडियो प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं किसी पर चेक नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरी ये वीडियो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में सेव है, ठीक है। तो मैं इसको डन कर दूंगा। YouTube एक्शन मेन्यू। तो अगर आपने वीडियो अपलोड करते समय प्लेलिस्ट में नहीं डाला है, तो अगर आपके चैनल की प्लेलिस्ट है तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको पहले मैं ये रिपीट कर देता हूँ उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आपने करना क्या है, सिंपली अपने चैनल में आ जाना है। पहले YouTube में आना है, YouTube में आने के बाद आपको अकाउंट में आना है, ठीक है। अकाउंट में आने के बाद आपको योर चैनल में आना है। योर चैनल में आने के बाद अपनी उस वीडियो में आना है जिस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में सेव करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद उस वीडियो का टाइटल पढ़े, उसके बाद एक मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा जो कि बोलता है एक्शन मेन्यू। ये देखिए ये हमारा टाइटल है, एक्शन मेन्यू। हाँ, यहाँ पर एक्शन मेन्यू का जो ऑप्शन है इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको सेव टू प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। सेव टू प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको उस वाली प्लेलिस्ट पे चेक्ड कर देना है जिस वाली प्लेलिस्ट में आप सेव करना चाहते हो, ठीक है। चेक्ड करने के बाद आप स्लाइड सेलेक्ट करते रहेंगे तो वहीं पर डन का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। डन कर देंगे तो आपकी वीडियो सेव हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके फोन में दो तीन प्लेलिस्ट होगी तो, ठीक है, और एक प्लेलिस्ट होगी जब भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि प्लेलिस्ट किस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए और ऑप्शन देखते हैं। तो एक वीडियो मैंने बनाई थी कि मैंने बताया था कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते समय किस तरीके से टाइटल डिस्क्रिप्शन डालते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अपलोड करने के बाद किस तरीके से डालते हैं। अगर आप अपलोड करने के बाद टाइटल डिस्क्रिप्शन डालते हो तो आपको वीडियो कैसे अपलोड करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए एक्शन मेन्यू पे मैं दोबारा क्लिक करूंगा, ठीक है। तो सेव टू प्लेलिस्ट में तो आपको दिखाई दिया कि मैंने किस तरीके से आप इसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह प्लेलिस्ट में सेव किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए एडिट में ही जाना है, ठीक है। अगर आप टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज करना चाहते हो तो आपको एडिट पे ही क्लिक करना है, ठीक है। और ऑप्शन देखते हैं। डाउनलोड वीडियो, यहाँ से आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो अपनी वीडियो को, शेयर कर सकते हो अपनी वीडियो को किसी को, ठीक है। चलिए तो इतने तीन ही ऑप्शन है। एक तो है सेव टू वॉच लेटर जो कि हमारे कोई काम का नहीं है, एक है सेव टू प्लेलिस्ट और एक है ऐड, ठीक है। तो ऐड पे चलेंगे, डाउनलोड वीडियो, तो एडिट, थ्री ऑफ एडिट पे चलेंगे, ठीक है। एडिट वीडियो, नेविगेट अप बटन आउट ऑफ लिस्ट। चलिए एडिट वीडियो पे मैं आ गया हूँ, तो आप देखते हैं क्या क्या यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं हमें। एडिट वीडियो, एडिट वीडियो, सेव डिसेबल। तो गाइस ये अभी डिसेबल है। अगर जैसे मान लो अगर आप वीडियो का टाइटल डिस्क्रिप्शन चेंज करते हैं या आप अपनी वीडियो पे डिस्क्रिप्शन लगाना भूल गए हैं तो आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन डाल करके आपको सेव कर देना है। जब तक आप वीडियो को सेव नहीं करेंगे तब तक आपकी वीडियो वैसी की वैसी रहेगी जैसे आपने अपलोड करते समय डाली थी, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। रात के 12:15, ये तो खैर कुछ ये तो ऐसे ही है। 76100, ये देखिए यहाँ पर इस वीडियो का टाइटल भी दिखाएगा, है ना। How to use WhatsApp group voice call and video call talkback from blind user, edit box, create a title. तो ये बोल रहा है how to use WhatsApp group voice call and video call talkback from blind user, edit box, create a title. मैं चाहूँ तो इस टाइटल को डिलीट करके भी दूसरा टाइटल डाल सकता हूँ, ठीक है। और ये देखिए बटन YouTube link. ये देखिए यहाँ पर मेरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, देखिए दिखा देता हूँ आपको।
बटन YouTube लिंक https://youtube.com/channel/hookbcnbt7ubac_wait7_a। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप पर #WhatsApp #group #call। डबल टैप टू एक्टिवेट है ना, ये देखिए यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलिए इस पे एक मिनट। बटन पब्लिक, ये ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो बटन YouTube डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे एक बार। हाँ, तो देखिए यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको डिस्क्रिप्शन चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। अगर आपने नहीं डाला है तो भी आप यहाँ से डाल सकते हो। ठीक है, अभी देखिए, अब ये बोलेगा एडिट करने के लिए, बोलेगा पहले डिस्क्रिप्शन को पढ़ेगा जो आपने डाल रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं डाला होगा तो सीधा एडिटिंग करने के लिए कहेगा। ठीक है, बोलेगा ऐड डिस्क्रिप्शन, तो फिलहाल हमने डाल रखा है। एडिट वीडियो, ऐड डिस्क्रिप्शन, ऐड डिस्क्रिप्शन, देखिए यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए editing youtube link https://youtube.com/channel/hookbcnbt7ubac_wait7_a। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप पर #WhatsApp #group #call। edit box add description, तो इसने शुरू में ही बोला एडिटिंग और लास्ट में भी, लास्ट में जब हमारा डिस्क्रिप्शन मतलब इसने पढ़ लिया है तो लास्ट में भी इसने बोला एडिटिंग एड मतलब डिस्क्रिप्शन एड करने के लिए इसको इसने कहा है। ठीक है, अभी मैं चाहूँ तो वीडियो इस डिस्क्रिप्शन को डिलीट करके भी दूसरा, चाहे मतलब दूसरा डिस्क्रिप्शन इसमें लगा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी इसको छेड़ूंगा नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन है, मैंने अच्छे से लगाया है। ठीक है, और ऑप्शन देखते हैं। तो चलिए मैं आपको इसमें एक चीज और बताता हूँ। तो जैसे कि मान लो आपने इसमें कोई डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया है, यानी अगर आपने डिस्क्रिप्शन या तो आपने चेंज कर दिया है या तो आपने वीडियो में डाला ही नहीं था और अब अपलोड करने के बाद आपने डाला है, तो आपको सिंपली क्या करना है, मान लो अभी डिस्क्रिप्शन आपने डाल दिया है तो उसको बैक कर देना है। यहाँ से इस पर एक बैक आ जाना है, बैक का भी ऑप्शन वैसे आ जाएगा। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी, तो चलिए बैक करेंगे एक मिनट। बैक, हाँ एक मिनट, बैक करके आपको वीडियो को सेव कर देना है। ठीक है, अभी सेव हमारा डिसेबल रहेगा क्योंकि बैक बटन, बैक एक्सेसिबिलिटी बटन, एक मिनट, एडिट वीडियो बटन, सेलेक्ट ऑडियंस, एडिट वीडियो बटन, लोकेशन, यहाँ से लोकेशन, देखिए यहाँ से आप लोकेशन भी डाल सकते हो, लेकिन मैं एक एक मिनट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। पब्लिक, ठीक है, बटन YouTube लिंक https, जैसे मान लो आपने डिस्क्रिप्शन को चेंज कर दिया, जैसे मान लो सपोज आपने ये डिस्क्रिप्शन इसमें डाल दिया है तो आपको चलते रहना है। पब्लिक बटन, सेलेक्ट ऑडियंस, ये पब्लिक बटन, ये पब्लिक वाले ऑप्शन में भी आपको पूरा भी समझाऊंगा। ठीक है, पहले मैं आपको जरूर बता दूं कि अगर डिस्क्रिप्शन टाइटल चेंज करते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, जैसे आप डिस्क्रिप्शन चेंज करते हैं तो आपको उसको बैक कर देना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे जैसे मैंने क्लिक किया, आपको वहां से बैक आ जाना है अगर आपने चेंज कर लिया है, या फिर अगर आपने डाला ही नहीं है तो, अगर आपने अब डाल दिया तो आपको यहां से बैक आ जाना है और आपको चलते रहना है। सेलेक्ट ऑडियंस बटन, लोकेशन, यहां से आप लोकेशन भी डाल सकते हैं अपने जगह की। ठीक है, तो लोकेशन तो खैर पहले मैं डालता था लेकिन अब नहीं डालता हूँ, लेकिन अगर आपको डालना हो तो डाल सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपकी लोकेशन भी दिखाएगा, देखिए एड लोकेशन, एड लोकेशन, बैंगलोर प्रोडक्शन, देखिए सारी लोकेशन आ रही है। शालीन पेंट, लोकेशन तो खैर आपकी मर्जी है। ठीक है, कृष्णा मनी न्यू, तो चलिए इसको हमें चलते रहना है। अग्रवाल में एड टैग्स, एड टैग्स, यहाँ से अब एडिट वीडियो, एड टैग्स भी लगा सकते हो। ठीक है, 0100 center, edit video, navigate up, edit video, इसके बाद एक ऑप्शन आएगा save, edit video, save, disable, अब ये disable इसलिए है क्योंकि मैंने title, description इसमें कुछ भी छेड़ा नहीं, यानी कुछ भी change नहीं किया है, जैसा था वैसा ही मैंने रहन दिया है। ठीक है, तो इसलिए अभी disable है। अगर आप जो है अगर वीडियो में टाइटल चेंज करते हो अपलोड करने के बाद डिस्क्रिप्शन चेंज करते हो तो आपको इसको सेव करना पड़ेगा, अभी डिसेबल है, लेकिन जब आप इसको चेंज करोगे तब ये डिसेबल नहीं रहेगा। जैसे ही आप इसको सेव कर दोगे ये जो है वो आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन जो भी आपने चेंज किया है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आप सेव नहीं करते हो, अगर आप टाइटल डिस्क्रिप्शन डाल के ऐसे ही बैक कर देते हो तो आपका जो है वो सेव नहीं होगा, जैसे आपने अपलोड करी है वीडियो वैसी हो जाएगी। ठीक है, फिर आपकी मेहनत भी इससे बेकार हो जाएगी, लेकिन अगर आप देखिए अगर आप सेव नहीं करते हो तो आप बैक करते हो सीधा तो वहीं पे आपको एक ऑप्शन आएगा डिस्कार्ड और एडिटिंग। डिस्कार्ड अगर आप कर दोगे तो तब आपकी वीडियो जो है वो सेव नहीं होगी, अगर दोबारा से एडिटिंग करोगे तो उसके बाद
आपको मतलब ये दोबारा से एडिटिंग करने के लिए कहेगा, ठीक है? चलिए नेविगेटर पे क्लिक करेंगे, मतलब एक ऑप्शन आएगा जिसे मान लो ये देखिए, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। सेव डिसेबल, जैसे मान लो अगर आपने टाइटल डिस्क्रिप्शन इसका डाल दिया है, यानी दूसरा चेंज कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन आपने डाला ही नहीं था, टाइटल नहीं डाला था, वीडियो अपलोड करने के बाद आप डाल रहे हो, तो आपने करना क्या, इसको यहाँ से सेव कर देना। अगर आप सेव नहीं करते हो तो अगर आप पूरा बैक करोगे तो आपको एक ऑप्शन भी आएगा डिस्कार्ड और सेव, एडिट या एडिट बोलेगा या फिर सेव बोलेगा, ऐसे कुछ ऑप्शन बोलेगा। तो अगर आप डिस्कार्ड कर देते हो तो आपकी वीडियो जो है वो सेव नहीं होगी, जैसे आपने अपलोड करी है वैसे ही हो जाएगी, ठीक है? तो अभी मैं इसलिए करके नहीं दिखा रहा हूँ कि मैंने टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह अच्छे से डाल रखा है, तो मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता हूँ, ठीक है? एडिट वीडियो है ना, save, तो आप सेव कर देना है। आपको ये ध्यान रखना है कि हमें अपलोड करने के बाद अगर एडिटिंग करनी है तो उसको सेव करना जरूरी है, ठीक है? तो अब मैं आपको एक ऑप्शन और दिखाता हूँ, ठीक है? पब्लिक वाला ऑप्शन दिखाता हूँ। पब्लिक क्लिक करेंगे अब हम, एक मिनट, ये तो सारी लोकेशन है, लोकेशन तो खैर आपकी मर्जी है, ठीक है? जब मैंने वीडियो अपलोड करी थी उस अपलोड करके दिखाया था आप लोगों को वीडियो में, है ना, एक वीडियो मैंने और बनाई थी कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कैसे करते हैं, उसमें भी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, लोकेशन डाल के, है ना, बाकी लोकेशन आपकी मर्जी है, ठीक है? तो बटन लोकेशन, तो लोकेशन तो खैर छोड़िए, सेलेक्ट ऑडियंस, तो ये देखिए बटन पब्लिक, पब्लिक पे क्लिक करेंगे। जैसे मान लो गाइस अगर आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के बाद टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह एडिट करते हो, यानी आप अगर YouTube पर ऐसे ही वीडियो अपलोड करते हो, आप सोच रहे हो कि भाई टाइटल डिस्क्रिप्शन इसमें हम बाद में डाल देंगे, तो आपको वीडियो को अनलिस्टेड में अपलोड करना होता है, ठीक है? तीन ऑप्शन आते हैं हमें, पब्लिक, प्राइवेट और अनलिस्टेड। पब्लिक का मतलब ये होता है कि आप अपनी वीडियो को पब्लिकली वायरल, यानी आपकी वीडियो को हर कोई देख सकता है, ठीक है? और प्राइवेट में ये होता है कि आपके सब्सक्राइबर के पास नोटिफिकेशन तो आ जाएगी लेकिन वो वीडियो आपकी नहीं देख सकता। जैसे ही वो नोटिफिकेशन पे क्लिक करेगा तो बोलेगा दिस वीडियो इज़ प्राइवेट, यानी इस वीडियो को प्राइवेट कर लिया है, ठीक है? और अनलिस्टेड में क्या होता है कि आपकी वीडियो को कोई नहीं देख सकता आपके अलावा, ठीक है? किसी के पास नोटिफिकेशन भी नहीं आएगी, ठीक है? पब्लिक में ये होगा कि नोटिफिकेशन भी आएगी, वो व्यक्ति आपकी वीडियो को देख भी सकता है, और प्राइवेट में ये होगा कि नोटिफिकेशन तो आएगी लेकिन वो आपकी वीडियो देख नहीं सकता, उसको एरर दिखा देगा दिस वीडियो इज़ प्राइवेट। चलिए पब्लिक पे क्लिक करेंगे, ठीक है? पब्लिक पे क्लिक करेंगे, सेट विजिबिलिटी, बैक बटन, बैक बटन, पब्लिश नाउ, पब्लिश नाउ बटन, पब्लिक, एनीवन कैन सर्च फॉर एंड व्यू, ये पब्लिक है, ठीक है? बटन अनलिस्टेड, एनीवन विद, ये अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड में अगर आपने जैसे मैं कोई जैसे मैंने अभी आपको बताया कि YouTube पर वीडियो अपलोड करने के बाद YouTube पर वीडियो अपलोड करने के बाद अगर आप टाइटल डिस्क्रिप्शन डालते हो, तो जैसे मान लो अगर शुरू में वीडियो अपलोड करते हो तो वहाँ पर एक पब्लिक का ऑप्शन आता है, तो पब्लिक पे क्लिक करके आप उसको अनलिस्टेड कर लें, ठीक है? बटन प्राइवेट, ओनली पीपल योर चॉइस कैन व्यू, ये देखिए बटन अनलिस्टेड, एनीवन विद द लिंक कैन व्यू, ठीक है? ये आप तक रहेगा, और पब्लिक में देखिए बटन पब्लिक, एनीवन कैन सर्च फॉर एंड व्यू, कहने का मतलब है कि पब्लिक, अगर आप वीडियो को पब्लिक करते हो तो कोई भी आपकी वीडियो सर्च कर सकता है, ठीक है? एक मिनट, हाँ, बटन अनलिस्टेड, एनीवन विद द लिंक कैन व्यू, ठीक है? आप ये खाली आप तक रहेगा, और प्राइवेट में देखते हैं बटन प्राइवेट, ओनली पीपल योर चॉइस कैन व्यू, ठीक है? ये वीडियो सिर्फ आप तक ही रहेगी, ठीक है? अब अनलिस्टेड में ये होगा कि आपके पास मतलब आपके सब्सक्राइबर्स के बाद पास नोटिफिकेशन भी नहीं आएगी, और प्राइवेट में नोटिफिकेशन तो आएगी लेकिन वो आपकी वीडियो देख नहीं सकता, ठीक है? तो आपको अगर आप वीडियो अपलोड करने के बाद टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह डालते हो तो आपको वीडियो को अनलिस्टेड में अपलोड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपके सब्सक्राइबर के पास नोटिफिकेशन ना आ जाए। जब आप वीडियो को सेव कर लें, जब आप वीडियो में अच्छे से टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल दें, तब आप वीडियो को पब्लिक कर दें, ठीक है? बटन शेड्यूल, शेड्यूल, तो ये शेड्यूल जैसे अगर आप वीडियो को प्रीमियर करते हो तो आप यहाँ से प्रीमियर भी कर सकते हो। उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है कि यूट्यूब पर वीडियो प्रीमियर किस तरीके से आप कर सकते हो, तो मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा। अगर आप लोगों ने हमारी वो वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है? 0100 सेंटर व्यू कंटेनर, चलिए तो इसमें इतना ही ऑप्शन है, तो बैक करेंगे, इसको रिपीट करेंगे, उसके बाद मैं आपको डिलीट करके दिखाऊंगा वीडियो, ठीक है? बैक कर देंगे यहाँ से, एक मिनट, नेविगेशन, बैक करेंगे, YouTube, तो गाइस मैं इसको अभी दोबारा से ओपन करूंगा YouTube को, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिपीट कर देता हूं, ठीक है? ऐसे मान लो अगर आप YouTube पर वीडियो अपलोड करने के बाद टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज करना चाहते हो, या तो फिर आप YouTube पर वीडियो अपलोड करने के बाद किसी लिंक कोई एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना चाहते हो, या तो आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया ही नहीं है,
तो आपको सिंपली करना क्या है, एडिटिंग करने के लिए आपको अपने चैनल में आना है। चैनल में आने के बाद आपको पहले यूट्यूब में आना है। यूट्यूब में आने के बाद आपको अपने यूट्यूब के अकाउंट में आना है। अकाउंट में आने के बाद आपको योर चैनल में आना है। योर चैनल में आने के बाद आपको उस वीडियो में आना है जिस वीडियो को आप एडिटिंग करना चाहते हो, ठीक है। पहले उसका टाइटल पढ़ेगा, टाइटल पढ़ने के बाद आपको बताएगा राहुल आपका मैसेज आया है कि कितने व्यूज इस चैनल पे आए हैं, ठीक है, कितने व्यूज आए हैं और कब, मतलब कितने दिन पहले आपने वीडियो को अपलोड किया है, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ कि आपको अपने YouTube में आना है। YouTube में आने के बाद आपको अकाउंट में आना है। अकाउंट में आने के बाद आपको योर चैनल में आना है। योर चैनल में आने के बाद आपको उस वीडियो में आना है जिस वीडियो को आप एडिटिंग करना चाहते हो। उसके बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा एक्शन मेन्यू, यानी मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा वीडियो के बाद वाला, उस पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा वो सेव टू वॉच लेटर, एक आएगा सेव टू प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट का तो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ से आप प्लेलिस्ट में एडिट कर सकते हो। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा एडिटिंग, मतलब एडिट का ऑप्शन आएगा, एडिट पर क्लिक करेंगे तो वहीं पे आपको जैसे कि सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपके वीडियो का डिस्क्रिप्शन अगर आपने डाल रखा होगा तो वो भी दिखाएगा, आपने नहीं डाला होगा तो वो भी, वो आपको बोलेगा ऐड डिस्क्रिप्शन, यानी आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए बोलेगा, ठीक है। अगर आपने डाल रखा होगा और आप चाहते हो चेंज करना तो वहाँ से चेंज भी कर सकते हो। अगर आपने नहीं डाला है तो आप वहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डालने के बाद आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपको वीडियो को सेव कर देना है तो आपकी वीडियो सिंपली सेव हो जाएगी। अगर वहाँ से टाइटल भी आप डाल सकते हो, अगर आपने डाल रखा होगा तो टाइटल पड़ेगा, अगर नहीं डाल रखा होगा तो बोलेगा क्रिएट अ टाइटल। टाइटल डालने के बाद आपको वही करना है, वीडियो को बैक करके सेव कर देना है, ठीक है। सेव आप कर दोगे तो आपकी वीडियो सेव हो जाएगी, ठीक है। वही हम बात कर लेते हैं कि पब्लिक प्राइवेट अनलिस्टेड की। अगर आप वीडियो अपलोड करने के बाद टाइटल डिस्क्रिप्शन डालते हो तो वहीं पर आपको वीडियो अनलिस्टेड आपको करना पड़ेगा, है ना, ताकि आपके सब्सक्राइबर्स के पास नोटिफिकेशन ना आए, ठीक है। जैसे मान लो अगर आप वीडियो पब्लिक करते हो तो सबके पास नोटिफिकेशन भी आएगी और पब्लिकली आपकी वीडियो भी रहेगी, जो भी सर्च करेगा उसको आपको आपकी वीडियो मिलेगी भी, है ना, वो आपकी वीडियो पब्लिकली हो जाएगी, ठीक है। प्राइवेट में ये होता है गाइस कि राहुल आपका मैसेज आया है, हाँ, प्राइवेट में ये होता है कि आपकी वीडियो प्राइवेट हो जाती है तो आपके सब्सक्राइबर जितने होंगे, है ना, जितने लोगों ने आपका चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उतनों के पास नोटिफिकेशन आएगी, बट वो आपकी वीडियो को देख नहीं सकता, यानी वो आपकी वीडियो को देख नहीं सकेगा, ठीक है। अनलिस्टेड में अगर आप वीडियो को अपलोड करोगे तब आप सिर्फ वो वीडियो आप तक ही रहेगी, ठीक है, आपके सब्सक्राइबर्स के पास नोटिफिकेशन भी नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप यूट्यूब पर वीडियो किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। यूट्यूब कॉलम टू, है ना, चलिए यूट्यूब को दोबारा से ओपन करेंगे। तो दोबारा से हम अपने चैनल में चलेंगे, सर्च अकाउंट, अकाउंट पर चलेंगे, क्लोज, मैनेज यू, एड अकाउंट, योर चैनल, योर चैनल में चलेंगे, यूट्यूब कास्ट, सर्च, सेलेक्ट वीडियोस, तो हमें चलना है मैनेज वीडियो में, ठीक है। वीडियो पे क्लिक करके भी हम जा सकते हैं, नहीं तो एडिट चैनल के बाद हमें मैनेज वीडियो का ऑप्शन भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं वीडियो पे ही क्लिक करूंगा, वीडियोस, प्लेलिस्ट्स, चैनल्स, अब मैनेज वीडियोस, मैनेज वीडियो पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मान लो आपने यूट्यूब के चैनल पे से किसी कारणवश वीडियो डिलीट करना चाहते हो तो आप डिलीट भी कर सकते हो। चलिए मैनेज वीडियो में पहुंच गया हूं मैं, कास्ट, सर्च, मोर ऑप्शंस, ड्रॉप डाउन लिस्ट, सॉर्ट बाय इन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो देखिए हाउ टू यूज व्हाट्सएप ग्रुप वॉइस कॉल एंड वीडियो कॉल टॉकबैक फ्रॉम ब्लाइंड यूजर 20। तो ये हमारी वीडियो का टाइटल है। यहां से भी आप वीडियो का एडिटिंग कर सकते हो, यानी यहां से भी आप प्लेलिस्ट में सेव कर सकते हो और एडिटिंग कर सकते हो, टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह, ठीक है, अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। तो देखिए एक्शन मेन्यू, इसके बाद भी एक्शन मेन्यू का ऑप्शन आएगा तो इस पे क्लिक करेंगे, YouTube, ठीक है, यहाँ पर डिलीट का भी ऑप्शन आएगा, सेव टू प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में यहाँ से भी आप सेव कर सकते हो, डिलीट, 3 of 7, डिलीट, तो यहाँ से भी डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट पे भी मैं क्लिक करूंगा लेकिन मैं डिलीट नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हो, यानी टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह अगर आप चेंज करना चाहो या आपने नहीं डाला हो तो आप डाल सकते हो, ठीक है। डाउनलोड वीडियो, डाउनलोड कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। एडिट एडवांस सेटिंग्स इन स्टूडियो, एडिट एडवांस सेटिंग स्टूडियो, इस ये तो खैर कोई काम का नहीं है, ठीक है। 0-100 सेटअप, चलिए इतने ही ऑप्शन है, शेयर 6, तो चलिए डाउनलोड वीडियो, तो डाउनलोड मतलब इसमें ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एडिट 4 of 7, एडिट, एडिट तो मैंने आपको दिखाई दिया है जो कि इसमें भी आप वही है, वही सब ऑप्शन है, एडिटिंग एडिट कर सकते हो, टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह, अनलिस्टेड, पब्लिक, प्राइवेट, यही सब है, ठीक है। डिलीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिलीट दिस वीडियो, कैंसिल बटन, दो ऑप्शन आ रहे हैं, डिलीट, डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो जो है वो
परमानेंटली आपके YouTube से डिलीट हो जाएगी और कैंसिल बटन कैंसिल करेंगे तो आपकी वीडियो डिलीट नहीं होगी। फिलहाल मैं कैंसिल करूंगा YouTube एक्शन मेनू, तो अब मैं आऊंगा अपने होम स्क्रीन पे और दोबारा से सब कुछ रिपीट करेंगे। ठीक है, वीडियोस एक मिनट YouTube नेविगेशन iOS लॉन्चर YouTube। चलिए बैक करेंगे होम स्क्रीन 1 ऑफ 3। तो चलिए गाइस अब मैं जल्दी आपको रिपीट कर लेता हूँ। तो पहले मान लो, जैसे मान लो अगर आपने अपने चैनल की कोई प्लेलिस्ट बनाई है, अगर आप वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड करना चाहते हो, अगर आप अपलोड करते समय प्लेलिस्ट में आप लोगों ने नहीं ऐड करी थी, तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको यूट्यूब ओपन करना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको अकाउंट में आना है। अकाउंट में आने के बाद आपको योर चैनल में आना है। योर चैनल में आने के बाद आपको अपनी उस वीडियो पर, मतलब उस वीडियो को ढूंढना जिस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में ऐड करना चाहते हो। उस वीडियो के बाद एक ऑप्शन मिलेगा एक्शन मेन्यू का, तो उस पर क्लिक करेंगे, वहीं पे आपको सेव टू प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तब की जितनी प्लेलिस्ट होगी वो दिखाई लगेंगी, तो आपको उस पर उस प्लेलिस्ट पर चेक लगा देना है, मतलब उस पर टिक कर देना है जिस प्लेलिस्ट में आप ऐड करना चाहते हो। तो वहीं पे आपको डन का ऑप्शन मिल जाएगा, आप डन कर देंगे तो आपकी वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी। ठीक है, और वही वीडियो डिलीट करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, आपको यूट्यूब ओपन करना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको अकाउंट में आना है। अकाउंट में आने के बाद आपको अपने योर चैनल में आना है। योर चैनल में आने के बाद आपको उस वीडियो, आपको वीडियो मैनेज वीडियो का ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, मैनेज वीडियो आपको एडिट चैनल के बाद भी मिल जाएगा, नहीं तो आपको आप वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको वहीं पर मैनेज वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा। मैनेज वीडियो में आने के बाद आपको उस वीडियो को ढूंढना है जिस वीडियो को आपको आपने डिलीट करनी है। ठीक है, तो उस वीडियो को ढूंढ लेना है, और उसके बाद उस वीडियो के बाद आपको एक मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा एक्शन मेन्यू का, उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट में सेव कर सकते हो, वहाँ से भी आप एडिट कर सकते हो। तो वहीं पर ऑप्शन मिल जाएगा आपको डिलीट। डिलीट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन है, कैंसिल और एक ऑप्शन आएगा डिलीट। कैंसिल कर देंगे तो आपकी वीडियो डिलीट नहीं होगी, और वही आप डिलीट पर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो, आपका मैसेज आया है, हाँ डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो परमानेंटली आपके यूट्यूब से डिलीट हो जाएगी। और वही एडिटिंग करने के लिए, जैसे मान लो अगर आप वीडियो में टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह डालना चाहते हो अपलोड करने के बाद, तो अपने मैनेज वीडियो आपको करना क्या है कि अपने चैनल में आना है, मतलब यूट्यूब को ओपन करना है। यूट्यूब को ओपन करने के बाद आपको अकाउंट में आना है। अकाउंट में आने के बाद आपको योर चैनल में आना है, और आपने उस वीडियो को ढूंढना है जो आपने अपलोड कर रखी है, और अब उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह आप एडिटिंग करना चाहो, यानी चेंज करना चाहो या एडिट करना चाहो, जो भी है ना, उस वीडियो को ढूंढना है। आप उस वीडियो, अगर आपको वो वीडियो मिल जाए तो वहीं पे आपको एक्शन मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा, मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहीं पे आपको एडिटिंग का ऑप्शन, मतलब एडिट का ऑप्शन मिलेगा, सॉरी एडिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन अगर आपने लगा रखा होगा तो डिस्क्रिप्शन पड़ेगा, वहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। अगर आपने नहीं लगा रखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बोलेगा ऐड डिस्क्रिप्शन, यानी एडिटिंग करने के लिए बोलेगा। डिस्क्रिप्शन जैसे ही ऐड कर दें तो आपको सिंपली उसको बैक करके सेव कर देना है। वही टाइटल अगर आपने डाल रखा होगा तो टाइटल पड़ेगा, आप टाइटल चेंज भी कर सकते हो, और अगर आपने नहीं डाल रखा होगा तो बोलेगा क्रिएट टाइटल, टाइटल भी आप डाल सकते हो, और टाइटल डालने के बाद वही सिंपली आपको वीडियो को सेव कर देना है। ठीक है, तो आपकी वीडियो का जो है टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह डल जाएगा। अगर आपने नहीं डाला होगा तो डल जाएगा, और अगर आप लोगों ने चेंज करा होगा तो चेंज हो जाएगा। जब तक आप वीडियो को सेव करोगे तभी चेंज होगा, सेव नहीं करेंगे तो आप चेंज नहीं होगा। ठीक है, और वही हम बात कर रहे थे पब्लिक और प्राइवेट और अनलिस्टेड की। तो पब्लिक में ये होता है कि आपकी वीडियो सब लोग देख सकते हैं, और नोटिफिकेशन भी जाएगा आपके सब्सक्राइबर्स के पास, है ना, तो वो भी आपकी वीडियो को देख सकते हैं, बाकी जो भी सर्च करेगा वो भी देख सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट में ये होता है कि नोटिफिकेशन भी जाएगा बट आपकी वीडियो को देख नहीं सकता। अनलिस्टेड में ये होता है कि आपकी वीडियो कोई देख नहीं सकता, वो वीडियो खाली आप तक रहेगी। अगर वीडियो अपलोड करने के बाद आप एडिटिंग करते हो तब आपको अनलिस्टेड में अपनी वीडियो को रखना होगा। ठीक है, तो चलिए गाइस मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, पूरा शुरू से लेकर अंत तक मैंने रिपीट कर दिया है। तो गाइस कैसी लगी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। 15 लाइक का टारगेट है, पूरा जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल QCL का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप लोग उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए गाइस फिर मैं मिलता हूँ किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए। और अगर इस वीडियो को लेकर के कोई सवाल हो, आपके मन में कोई डाउट हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, नहीं तो आप हमें अबाउट पेज से हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए गाइस आप लोग देखते रहिएगा राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। थैंक यू।